स्टैंड ले लो, ये हमारे साथ मोहसिन साहब भी हैं। ये अभी हम शुरू करने लगे शारा बल्दिया से। कैमरा वापस किस तरह करना है, कैमरा बैक से करना है, रोक दो, बंद कर दो गुलाब बिना। ये देखें, ये शारा बल्दिया आ गया। ये बल्दिया की पुरानी बिल्डिंग है, अभी ये टूट चुकी है, इसे गिरा के इन्होंने नई ले गए हैं नई जगह पर। वो शहर से देखें थोड़ी सी दूर है, ये शारा बल्दिया है। वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो मीना है, वहाँ हम आपको इंशाल्लाह फिर एक दो दिन बाद लेके जाएंगे। अभी हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तरीक जद्दा पर, मैं जद्दा रोड पर। ये जनाब अभी शारोपन हो गया, हम जाने लगे आगे। और ये आपको दिखाते हैं, ये जो गाड़ियों के रेंट वाले शॉप्स हैं सारी ये हैं, रेंट कार हैं, ये तमाम कंपनियाँ हैं यहाँ, बहुत सारी कंपनी हैं, काफ़ी सारी कंपनी है यहाँ। रोताना, रवाइस, पेलेस, रीज, वो सारे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, सी पोर्ट की बिल्डिंग। ये स्पोर्ट शॉप है जनाब, यहाँ आपको हर किस्म की चीज़ मिलेगी, डिस्काउंट भी है, लेकिन डिस्काउंट भी इतने महंगी है कि हम नहीं ले सकते। माही पोस्ट एक दिन गए थे डिस्काउंट में लेने, लेकिन वहाँ पे 350 से अब भी था डिस्काउंट में, अगर डिस्काउंट ना होता फिर पता नहीं कितने का आना था। ये पिज़्ज़ा हट की ब्रांच यहाँ से खत्म हो गई, लेकिन जिद्दा में है, जम्मू में खत्म हो गई है। ये कौन सी बिल्डिंग है ये सामने सारी? ये गवर्नमेंट की है कोई, ये पोर्ट के साथ रिलेटेड ही है। ये हमारे राइट साइड पे सारा ये सी पोर्ट है, अरबी में से मीना कहते हैं, मीना कहते हैं। ये भी हम जद्दा जा रहे हैं, जद्दा तरीक जद्दा पर है, जद्दा जा तो नहीं रहे लेकिन तरीक जद्दा पर है। अभी सामने सूरज भी, अभी वीडियो पता क्लियर आती है कि नहीं आती, वापसी पे ये सही आ जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल विजिट करें, एक दिन आपको जम्मू का मुकम्मल कराएंगे इंशाल्लाह। ये पार्ट वन है, आज ये पार्ट वन है, और जम्मू का हमने शारा बल्दिया से शुरू किया है, और अभी हमारा जो रूट है वो समुंदर रोड पे जाने का। ये सारा सी पोर्ट है ये राइट साइड पर, ये ऊपर देखे कैमरे लगे हुए हैं, ये मोबाइल के बेल्ट के, रात को अगर आपकी लाइट ना चल रही हो तो उसके, अगर आप गलत ओवरटेक करेंगे तो उसके, ये तमाम काम ले रहे हैं आप इस वक्त इन कैमरों से। ये सब गाड़ी से स्लो करें, बस स्लो जाएं, इतनी स्पीड रखिए आप, नहीं नहीं सीधे जाएंगे आप। ये भी सी पोर्ट के, ये कुछ अब ये गोदाम है कि क्या है कुछ पता नहीं है, जैसे सीधे जाएंगे हम। ये इशारा दो रियाद है, और दो रियाद क्यों है कि दो रियाद पुलिस को कहते हैं, और वो सामने इनका वो पुलिस स्टेशन है, वो सामने बिल्डिंग, वापसी भी आपको दिखाएंगे, वापसी भी दिखाएंगे कोई मुश्किल। और ये सामने यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ ये कोडू, अल हफीफ, कसीलो काफ़ी, सुप्रीमो, शवारमर, डोमिनो पिज़्ज़ा, मशराक, यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा इन भी है यहाँ, अभी एक दो नया भी बना है। ये इशारा दो रियाद है, ये इशारा दो रियाद ओपन हुआ तो हम आगे जाने लगे। मामू भी आ रहा है हमारे पीछे, बड़ी स्पीड में आ रहा है, वो फुल फॉर्म में आ रहा है और किसी से फोन पे बात कर रहा है। वो मामू चल रहा है, ये जनाब ट्रैफिक पुलिस गई है, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है, मामू रखा हुआ है। ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी गई है, क्योंकि ये मामू जितना ही एहसास करते हैं ना बंदे का, बंदा रॉन्ग ड्राइविंग करे तो पकड़ लेते हैं। ये शोरूम है जनाब सेरामिक्स के, ये देखें ये घरेलू चीज़ों के शोरूम है, फर्नीचर के।
ये जो रोड है इसके रोड के बैक साइड पे तमाम गाड़ियों के शोरूम है, वो दूसरे रोड पे आ जाती है। इस रोड पे आप जाएंगे तो काफी सारी गाड़ियों के शोरूम है। ये अभी सामने आपको नजर आ रहा है, ये इशारा लुत्फी है, इसका नाम इशारा लुत्फी है। ये लुत्फी क्यों है कि ये यहाँ ये लुत्फी तलाजा के नाम से एक तलाजा यानी ये कोल्ड स्टोर है लुत्फी के नाम से। ये सामने आपको हो सकता नजर आ रहा हो, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी। ये आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये लुत्फी कोल्ड स्टोरेज है, लुत्फी तलाजा, इसकी वजह से इसका नाम जो है ना शाह लुत्फी है। ये भी देखिए आपको हर इशारे पे ये कैमरा नजर आएगा, 3,000 रियाल का जो भी इशारा तोड़ेगा, 3,000 रियाल का जुर्माना उसके लिए। दौड़ना दूर की बात है, लाइन जो लगी है उसी के ऊपर आपकी गाड़ी चली गई ना, एक दो टायर आगे, मतलब एक टायर आगे भी आ गया तो फ्लश लग जाए। हमारी उर्दू बस इस तरह की मिक्स ही होगी, थोड़ी पंजाबी थोड़ी उर्दू, तो वो फ्लश लगना है, समझ लो आपको 3,000 आ गया है, गिफ्ट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये बिल्डिंग काफी अरसे से बंद है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई शोरूम नहीं है। ये पेट्रोल पंप भी काफी अरसे से बंद है। सोच रहे ना, ये यहाँ के मशहूर जो है ना रेस्टोरेंट हाशी बाशा, ये सिर्फ यहाँ चावल वगैरह मिलते हैं, मुर्गी चावल मियाँ जी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसके मुताबिक बना रहा हूँ। मैं पीछे चला जाऊँगा वीडियो का, अभी हमारा जो रूट है वो चेंज हो रहा है, अभी हम समुंदर रोड पे जा रहे हैं। अभी ये यहाँ का मशहूर जो है नाश्ते का पॉइंट फूल हद्दा, सऊदियों का अरब फूल कह सकते हैं आप इसे। इसमें यहाँ फूल से मतलब वो लोबिया टाइप होता है, सुरख लोबिया वो। और पाकिस्तानियों का सबसे बेस्ट जो नाश्ता पॉइंट है वो ये वाला है, अभी पठानों का सस्ता भी है और लेबर के लिए बड़ा बेस्ट है। लेबर आप सुबह के टाइम देखे तो यहाँ बहुत ज्यादा होती है। आज जुमा ये यहाँ सारे कोल्ड स्टोरेज है इस रोड पे, ये भी कोल्ड स्टोर है, वो तलाजे कलज और ये कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पेप्सी का भी वेयर हाउस है, पेप्सी का भी वेयर हाउस है। ये इसके पीछे कभी जुम्मा बाजार लगता था, ये जुम्मा बाजार हराज की से कहते हैं सऊदीया में, लेकिन ये आम पाकिस्तानी जबान में जुम्मा बाजार, हर चीज सस्ती सेकंड हैंड आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी वो बंद हो चुका है, अभी वो नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जुम्मा बाजार। ये पौधों की भी कटिंग करवाई है, जुम्मा था इसलिए जुम्मा पढ़ने जाना था इन्होंने भी, सब ने कटिंग करवा के देखो रेडी किए हुए। और भाई आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं, और मैंने स्पेशल इन बंदों को नाश्ता करवाया, जैसे आप आइसक्रीम खिलाते हैं ना, मैंने नाश्ता करवा के साथ लेके आया हूँ। अभी चाय मैंने जाके इनसे पीनी है, चाय के पैसे भी देंगे दूध नहीं, चाय चाय इनकी तरफ से, आज चाय वैसे भी इनकी तरफ से। ये बिल्डिंग अभी हाल ही बनी है, क्योंकि ये पहले कंपनियों वाले ने रेंट पे ली हुई थी, अभी काफी सारी कंपनियों ने छोड़ दी है। लेकिन ये सामने होटल आ रहा है, बड़ी देर से बन रहा है। ये तमाम ये एक आपको मजे की चीज दिखाते हैं यार, यहाँ की गवर्नमेंट के ये एक अच्छा कारनामा कह ले आप इसको, बहुत अच्छा जो उन लोगों ने अपनी पब्लिक के लिए किया है, बड़ा जबरदस्त है यार। ये जिम है पूरा, एक समझ लो आप टेक्निकल जिम कह लो इसको यार, मतलब वो ही सारी मशीनें एक्सरसाइज वाली, लेकिन उनके तरीके कुलगिए थोड़े और है। ये जनाब गवर्नमेंट ने जॉगिंग के लिए बनाया, अपनी आवाम के लिए सहूलत के लिए। ये देखें ये पार्किंग भी है, ये तकरीबन सऊदीया में इन्होंने, ये हमारे शहर में सऊदी जम्बो में बहुत से बनाए हैं, कुछ 7-8 पॉइंट बनाए हैं। आप चले आगे से, आगे से स्टॉप स्टॉप। ये देखें ये पार्किंग है, ये पार्किंग बनाई इन्होंने, ये जो जॉगिंग ट्रैक है ना, ये पता नहीं कौन सा इन्होंने यूज किया कि बंदर, ये नरम है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, ये बच्चों के खेलने के लिए भी है। वो ये ट्रैक नहीं, वो साथ वाला ट्रैक है, इसके साथ वाला, ये साथ वाला ट्रैक है, ये बच्चों के खेलने के लिए वो उस तरफ लगी हुई है। हम घुमाते हैं, चलो ये देखें जनाब, सही नजर आ रहा है, सही है मियाँ, पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो का मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ,
ये सिर्फ आपके लिए है, जो आपने रिश्वत दिया ना नाश्ता, ये उसके लिए मैं। ये हमारे यार दोस्त से नाश्ता बोल रहा है, ये हमारे दोस्त हैं यार बहुत अच्छे, वो यम्बो में अपना काफी टाइम स्पेंड करके गए हैं और यहाँ से उन्होंने काफी ज्यादा अपनी यादें समेटी हुई हैं। उनकी ये ट्रैक है यार जिसकी हम बात करते हैं, ये ट्रैक ये बहुत सॉफ्ट है यार। ये पैदल चलने के लिए ट्रैक है स्पेशल, ये मतलब ये आम ट्रैक नहीं है, स्पेशल ट्रैक है ये। आप इसको ये बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए हैं और वो पीछे रह जाती है मशीनें एक्सरसाइज के लिए ना। अभी हम फिर कभी आपको इसका अलग से, ये जम्बो पाँच छह बन चुके हैं अभी, एक नहीं है पाँच छह बन चुके हैं अभी, अलग से विजिट करवाएंगे इसका। ये वापसी हम फिर वो समुद्र रोड पर निकल आए हैं, उम्मीद दिन में रोशनी बने बंदे ही, वीडियो के नहीं सही बंदे को पता नहीं है यार। सऊदी अरब में देख लो आप दिन के टाइम आपको कोई बंदा यहाँ नजर ही नहीं आएगा, सब रोड खाली वीरान, स्पेशली जुमे के दिन। ये सामने जो होटल है रेड डिलीशियन, ये इंटरनेशनल है, अब ये कितना स्टार है ये नहीं पता हमें, थ्री स्टार है कि फाइव स्टार है। ये रेड डिलीशियन नाम है इसका, अब ये थ्री स्टार या फाइव स्टार इसका नहीं, लेकिन ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में मैं आई थिंक सो नहीं है। यहाँ से हम ये लेफ्ट टर्न लेंगे और ये समुंदर के साथ वाला रोड शुरू हो जाएगा सारा, ये राउंड अबाउट आ गया। इसका भी एक रूल है, जो बंदा घूम रहा है ना गाड़ी को ऐसे गोल, वो ही पहले निकल सकता है, दूसरा बंदा आके नहीं अंदर जा सकता, इसका भी रूल है। ये भी कोई बड़ा होटल शुरू हो रहा है, काफ़ी अरसे से है ये, इसकी बिल्डिंग तकरीबन तीन के साल तो हो चुके हैं मुझे भी इसके देखते हुए, ये लेकिन काफ़ी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है इसकी। ये बहुत बड़ा है यार, लेकिन आज का नहीं बन रहा, बड़ा पुराना है, पता नहीं कब कंप्लीट होना है इसने। अब भी थोड़ा हमारे साथ जो हमारे रूम के है ना दोस्त, जो साथ वाले रूम, ये भी ये सारा हमारे राइट साइड पे समुंदर है, ये सारा समुंदर है अभी राइट साइड। ये भाई साहब की फरमाइश थी इस रोड पे तो इसलिए आए हैं। ये वो रोड है जो सिटी को साइड से ओवरटेक करता है ना। जी जी, मतलब आप सिटी के अंदर नहीं जाना चाहते, सिटी से बाहर ही निकलना चाहते हैं, जैसे रॉयल कमीशन के लिए बाईपास कह लें, ये रॉयल कमीशन के लिए बाईपास के लिए, अगर आपने दूसरी तरफ जाए तो बुक के लिए तो वो दूसरा बाईपास है, ये अगर आपने रॉयल कमीशन जाना है जम्बो से तो फिर आप ये रोड यूज करें, इस पे ना आपको इशारा मिलेगा, सीधा रोड है खाली, और 90 की स्पीड है 90 की उस रोड पे, 80 की इस पे 90 की है। वो वहाँ पे कश्तियाँ भी खड़ी हुई हैं वहाँ पे, वो गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट का भी सेंटर है, पता नहीं से क्या कहते हैं, नाम नहीं मेरे दिन में आ रहा है। और थोड़ी अच्छी वीडियो वापसी पे आपको सही लगेगी, क्योंकि वापसी पे जब हम आएंगे सूरज का जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, फिर जो इसकी वजह से भी ना लाइट की वजह से वीडियो नहीं आ रहा, इसी वजह से हम गाड़ी थोड़ी करते हैं तेज, ताकि ये साइड भी खाली है ना, सुंदर ही है सारा। ये भी रोड ये नया बनाया है, ये एक रोड अंदर जा रहा है, नया जा रहा रोड अंदर, ये सब अपने इन्होंने सियासी बंदों के लिए बनाया है। ये देखिए आगे एक और कैमरा आ रहा है, आपको दिखाते हैं, ये मोबाइल बेल्ट गलत अवटे, अगर आपके रात को लाइटें नहीं चल रही तो उसके लिए भी ये सारे काम करेंगे। अभी लाइटों वाला और ये गलत अवटे का भी काम शुरू नहीं किया है, लेकिन अनकरीब इन्हीं कैमरों से शुरू होगा, ये सऊदी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है इन्हीं कैमरों से, तो रॉयल कमीशन में जो कैमरे लगे हैं सिक्योरिटी, उनसे तो जुर्माने आ रहे हैं, फाइन आ रहे हैं 3,000-3,500। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे वापसी के लिए बैक, हम वापस जा रहे हैं अभी, अभी ये सारी बंजर जमीन है, ये कैमरा आपको क्लियर आएगा, जमीन बंजर, हालात कंजर,
नहीं ये अल्फाज नहीं अच्छे, यहाँ आगे थोड़ा सा करके ना पाकिस्तानियों ने खेलने के क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया हुआ आपने, लेकिन वो बैक साइड पे रह जाता है। हम सही बनना है सबसे सामने वाला होना है सामने वाला, क्योंकि हमने चलो जो हमें पढ़ा था चलो कोई नहीं है मामला नहीं करना प्राइवेट में वगैरह है। ये लिंक रोड निकलता है दूसरे बलद रोड के लिए टच करने के लिए, मामू के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ट्योटा कंपनी से, इनके पास सारी गाड़ी ट्योटा की है, हुंडई की नहीं है, इसकी क्या वजह है? मामू से पूछना पड़ेगा। बड़ी से लेकर छोटी गाड़ियाँ भी सारी उनकी हैं, वो ट्योटा की हैं। डोज वगैरह भी है, अब तो जद्दा में डोज भी आ गई इनके पास यार, इनको डोज भी दे दी गई है। नहीं तो दुबई में ही थी ना गाड़ियाँ अच्छी सारी, लेकिन अब इनके पास भी अच्छी गाड़ियाँ आ गई। ये भाई व्यू चेक करो यार, इधर समुंदर है, ये देखो यार नीला नीला पानी। जी मैं बंद करी सुबह एक गाड़ी लाया, तो मैं मी शायद रखना पे एक गाड़ी लाया सुबह छोड़ के, लेकिन सुबह रेडी बंद कर। काम पे नहीं जाना होता ना तो फिर इस तरह के नज़ारे देखने का मजा आता है, काम पे जाना हो इसी रोड से बेशक बंदे को मौत ही नजर आ रही है सामने। की स्पीड है लेकिन हम इतनी तेज नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो बनानी है। आप भैया पहुंचे तुम पसंद है जी, इधर आ गया। नहीं मैं क्या वीडियो बना रहा हूं, बोल लगा तो नहीं नहीं बोल बोल नीचे वीडियो बननी भी है क्या? ये अब यूटर्न लेके उसी रोड पे वापस आ रहे हैं, उसकी ऑपोजिट साइड पे ना वापस आ रहे हैं। चाहे किसी ने देख ली दुनिया या खुदा देखा है, ये बना लिया ये होटल वापस आ गया हुए। यार ये सोचिए जिस तरह एक बिल्डिंग में हर पोर्शन पे दो फैमिली रहती है, दो नहीं चार हर पोर्शन पे, पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं रह सकते यार? पाकिस्तान में क्यों हर बंदे को, पाकिस्तान को खुला मकान चाहिए, खुला भी आती हो बारिश भी आती हो। देखो ना यार ऐसी बिल्डिंगे हैं यहाँ पे, सोदियों के अपने घर नहीं होते, सबके रेंट पे तकरीबन होते हैं, मोस्टली जो रेंट पे रहते हैं, मतलब 90% लोग रेंट पे रहते हैं, 10% लोगों के अपने घर। पाकिस्तान में जो है ना फैमिली वो फ्लैट सिस्टम पसंद नहीं करते, कराची में है, लाहौर में हमारे इलाके में भी है, पसंद नहीं किया जाता, जो फ्लैट में रहते हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता। ये महत्ता आ गया भाई, पेट्रोल पंप यहाँ भी होटल्स हैं, यहाँ काफ़ी फास्ट फूड है, ये सब जो इतना भी ये छोटा छोटा दुकान है सब फास्ट फूड का ही है। और यार यहाँ के फास्ट फूड बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनाते हैं यार, मैं किसी दिन आपको किसी कॉफ़ी सेंटर का या किसी अपना रेस्टोरेंट का ना विज़िट करवाऊँगा, छोटा जो फास्ट फूड होगा बर्गर वगैरह ऐसा जो होता है यार, बड़ा VIP पुराना माहौल की तरह बनाते हैं उसको यार, ड्रमों के ऊपर बेसन लगाए होते हैं हाथ धोने वाले, और वो उसको उसको इस तरह मोटिवेट किया अपना किया होता है, वो इस तरह अल्टरेशन की होती है यार कि उनकी आप देख के हैरान हो जाओगे, ये वो रेड सी होटल है यार, ये मुझे लगता है यूरोप का ही है यार, ये यहाँ का वो है क्या कहते हैं उसको शादी हाल, खाना बर्बादी, मैरिज हाल, किसी बंदे की बर्बादी का टाइम यहीं से शुरू होता है। आपको दूसरी साइड इसकी उसी रोड की दूसरी साइड आ गई है, जैसे पहले गए थे ना अब उसकी दूसरी साइड है। ये कंपनी की बस है, सुबह सुबह सब बकरियों भेड़ों की तरह बंदे इसमें डालते हैं वो ले जाते हैं। भाई भाई कसम से अल्लाह माफ करे यार, इनका काम बड़ा मुश्किल है यार, इनकी सैलरी भी कम है और मशक्कत भी ज्यादा है, दोनों ही है। बंदा कहे ना कि यार उसमें मशक्कत ना इतनी ज्यादा हो और सैलरी ज्यादा हो, कुछ भी नहीं है। ये स्कूल है इनका, ये देखो अभी जितने भी ये घर है ना इनमें एक बंदा नहीं रह रहा, इनमें तीन तीन चार चार लोग रह रहे हैं। कोठी बहुत कम है, कोठी पर्सनली ये घर बहुत कम है यहाँ पे,
ये लोग घर बनाते हैं, रेंट पे देते हैं, उसी से पैसे कमाते हैं। अपने जिनके घर है ना वो भी रेंट पे बहुत से लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारे लोग सारा पैसा उठा के अपने घर पे लगा देते हैं। यार ये स्कूल है, जैसे पाकिस्तान में स्कूल है उनकी बिल्डिंग स्पेशल होती है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब ऐसी ही होंगी। तो स्पेशल बिल्डिंग है इनकी ना, यही कलर होगा स्कूल का, यही कलर होगा। हाँ, सेम कलर। वो स्कूल की बसें खड़ी, येलो कलर की स्कूल की बसें होती है। ये पानी वाले टैंकर है, यहाँ पे मोटरें नहीं होती, वो पानी वाले टैंकर आते हैं हफ्ते में एक बार पानी डाल जाते हैं आपके आगे बिल्डिंग के ना नीचे टैंक बने होते हैं पानी के। ये यम्बो का गरीबाना होटल है भाई, सस्ता और खस्ता नाश्ता यहाँ पे होता है, और हमने भी यहाँ से बहुत बार कोई इतना सस्ता नहीं मिला था, हमारा 17,000 लग गया है मेरे मुंह से यहीं पे। ये दो बंद नाश्ता किया पहले यहाँ पे था, फिर चेंज करके उधर चले गए, ये चला गया पता नहीं बंद ही करके। वो फूल अड्डा फिर आ गया वापस, जनाब यहाँ तक वीडियो हो गई कंप्लीट। आपने खुतबा देना होता तो हमने जुम्मे को फोन पर खाना खाना होता। ड्राइवर सीट चेंज हो गई है, ड्राइवर अब दूसरा आएगा, और ये गाड़ी है हमारी यार गरीबों की गाड़ी, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई गरीबों की गाड़ी नहीं है, क्योंकि मैं इस साइड पे वीडियो बनाऊंगा फिर। अब ये यहाँ की बस सर्विस है, यहाँ की फेमस बस सर्विस है ये, तू कि चला मौसम ले जनाब। अब ड्राइवर सीट हो गई है चेंज, और अब मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये भाई अब गाड़ी चलाएंगे, जो पहले कमेंट्री कर रहे थे अब वो गाड़ी चलाएंगे। लो जी हमारा जो अधूरा सफ़र था स्टार्ट हो चुका है, ये बंगाली भाई जा रहा है, और ये अभी भी सूरज थोड़ा लाइट ज़्यादा है, उसकी मामू साहब भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मामू तो कुत्तों की तरह घूमते हैं बड़े फाइन हो रहे हैं यार आजकल, आजकल तो ऐसे फाइन ठोक रहे हैं जैसे सवाब का काम है यार। ये कैमरे लगाए हैं ना भाई, पैसे लगे हैं इनके, हर इशारे पे कैमरे लगे हैं अब, और कैमरे भी जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगाए हैं, 6-6 फुट तो कैमरों की हाइट है, 9-9 फुट का फ्लैश है उनका। फिर ये फ्लैश देखिए, ये यहाँ फ्लैश लगे हुए हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा यार, ठीक है। ये कंपनियों ने गाड़ी दी होती है इनको, ये ड्यूटी के दिन ड्यूटी करते हैं, बाकी दिन एंजॉय करते हैं इस पे। ये किधर जाना था आपको? ये मैं यहाँ एक मिनट का होटल, ये सारे रेस्टोरेंट, फार्मेसी, वो नेक्स्ट कॉफी, ये चेक करें नेक्स्ट कॉफी, नेक्स्ट कॉफी सॉरी, कोडू शोडू, ये वो सारे हंगर वाले बंदे खड़े हैं यार, ये भी हंगर वाला, ये जो आ रहा है हमें भी, ये देखो ये भी हंगर भानक काम तल बाद अलो मिलिए कुल केव केव शुगल क्विज मिया मिया, ये सारे हंगर वाले, ये भाई भी हंगर वाला लग रहे हैं, माफी है बिल्ले पास सुबह दोबर दोबर बस जुमा ज्यादा कुल हंगर ये सब होटल है यहाँ पे शॉर्मा, ये वो इसीलिए यहाँ पे हंगर वाले ज्यादा हैं, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे होटल है, हंगर डिलीवरी सर्विस है, जैसे पांडा फूड पांडा है ना पाकिस्तान में, और हंगर स्टेशन एक ही कंपनी है दोनों, बस नाम डिफरेंस है, और ये दोनों का एप्लीकेशन एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही है। ये मामू का घर है, मामू पुलिस वालों का घर है। अच्छा ये पता नहीं क्यों लगाए हैं यार लोगों ने, सेफ्टी के लिए यार, पाकिस्तान में तो सेफ्टी नहीं चाहिए किसी चीज की भी यार,
ये यहाँ बिल्डिंगें ऐसे तैयार होती हैं, पहले पिलर खड़े होते हैं, फिर लेंटर पड़ते हैं, उसके बाद साइड वाली दीवारें सारी बनती हैं। फर्स्ट पे वो साइड वाली दीवारें नहीं बनाती है। ये तरीका है यहाँ बिल्डिंग का। और वो मशीन आती है वो ब्लॉक ऊपर ही पायलट पूरा उतार देती है एक उसका। ये एक रेस्टोरेंट है, केरला का होटल है। बंद हो गया, बंद हो गया इसका कल से बंद हुआ, इसकी मुश्किल हुई है फील के साथ। यहाँ पे यार काम तुम्हारा कब आबाद हो जाए, कब बर्बाद हो जाए, कोई पता नहीं है कसम से। ये सोती ऐसे लोग हैं, इनको नफा नुकसान से कोई गर्ज नहीं यार। इनका दिमाग है, चल रहा है तो ठीक है, बंद हो गया तो समझ लो तुम्हारा काम ही बंद हो गया यार। मियां जी से बंदे को पराठे नाश्ता के 10 रुपए दे दीजिए, मोल सिर्फ 300 रुपए वास्ते कफीला मसला हो गया। मसला हो गया और कफील 300 रुपए कम नहीं किया कराया। कफील 300 रुपए कम नहीं कर सके, बनाना ही बनाना है। बेकार है कसम से यार। मैं अक्सर सोचता होता हूँ कि यूरोप कंट्री है, इनसे हजार गुना बेस्ट है यार। इंसान को इंसान के पूरे हकूक देते हैं, जो मुसलमान को देने चाहिए वो यहूदी दे रहे हैं यार। तो ये मुसलमान कंट्री क्यों नहीं दे सकती यार। मेरा ये बड़ा गिला है इनसे यार। ये एक अपना ये भी एक होटल है इबिस। ये सिर्फ रेंट पे है, रूम रेंट पे देने वाला होटल है, रेस्टोरेंट नहीं है। ये भी वही है ये सारा सनई है। इसके इस साइड पे सारा सनई आ गया, मतलब जो गाड़ी रिपेयरिंग जितना भी सारा काम वर्कशॉप सब इधर है। अभी नया भी बन गया लेकिन वो आउट सिटी हो गया, थोड़ा सिटी से बाहर निकाल दिया उसको। ये भी आने करीब खत्म कर देंगे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे जद्दा में खत्म हुआ है। जद्दा में भी पहले सिटी के अंदर था, वो सब खत्म करके उन लोगों ने बाहर जगह दे दी। जैसे फैसलाबाद में भैंसों को निकाल के अलग तबेले बाहर बना दिए उनके लिए सब सिटी से, फैसलाबाद में भी ऐसा हुआ था। लोगों ने भैंस कलोनी बना दी उधर, पूरी अलग ही है। ये रोजाना का ऑफिस है, रेंट ए कार, बहुत बड़ा शिरका है रोजाना रेंट ए कार सऊदी अरब के अंदर। और इनका ये फायदा होता है गाड़ी लेने का कि आपको मीटर का कोई लिमिट हदूद नहीं है, जितनी मर्जी चलाओ। पर डे के हिसाब से नहीं बल्कि 2 दिन के हिसाब से आपको गाड़ी मिलती है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीने की भी ले सकते हो। हमारा सफर यहाँ खत्म होने वाला है और अब हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अपनी मंजिल की तरफ, घर की तरफ वापसी पे जा रहे हैं और ये हमारा सफर खत्म हो जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे, और ये वीडियो किसी और रूट पे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो ना लाइक कीजिएगा ना सब्सक्राइब कीजिएगा, वो तो पहले भी नहीं करते यार आप। प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरे, और पहले लाइक करो क्योंकि ये हर एक बंदे का डायलॉग है आपके चैनल वीडियो के से पहले। लाइक कसम से मेरी वीडियो उठा के देख लो यार, उनमें ये डायलॉग नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऊपर लेके जाएं। ये नादी और की जरूरत बहुत ज्यादा है इसको, मेडिकल स्टोर। ये नादी भी एक बहुत बड़ा शिरका है सऊदी अरब के अंदर मेडिकल स्टोर का। इनके मेडिकल स्टोर हर सिटी में कम से कम 3-4-5 ऐसे हैं। नहीं यार, मुंबई में काफी ज्यादा है, मतलब हर सिटी में है, मतलब थोड़े थोड़े 2-2 किलोमीटर के फासले पे बनाए हैं यार, पता नहीं क्यों। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है यार मेडिकल स्टोर की। मतलब वीडियो खत्म हो चुकी है, वीडियो हमारी वो खत्म होगी, वो जग यार किसी की याद में टूट गया। ओके बाबा जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ड्राइवर चेंज हो गया। ओके बाबा जी, ड्राइवर चेंज। मियां साहब ने भरी बड़ा दिल करके मुझे गाड़ी दी है चलाने के लिए, मैंने देते नहीं है किसी को। यार मैं अपनी चीजों से पता नहीं क्यों प्यार करता हूँ यार, मुझे ये समझ नहीं आती अपनी यार कसम से। चीज गलत तो है लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है यार। ये सब चेंज करना था। ये मौसम भाई, हम 3 आदमी थे जो आपको ये पूरा मंजर। 3 आदमी हैं हम, 3 बंदे थे हम जिन्होंने ये पूरा विजिट करवाया फ्री में सिर्फ नाश्ते के लिए। 20 नाश्ता भी है बस। ठीक है जनाब, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा अगर फुर्सत मिले तो। और से अगेन लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर रिक्वेस्ट है यार आपकी, क्योंकि अगर जब तक मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे मैं सऊदी अरब छोड़ दूंगा कसम। मैं नहीं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ना शेयर कीजिएगा ना लाइक। मैं यकीन माने यूट्यूब की वजह से सऊदी अरब छोड़ दूंगा यार, पाकिस्तान जाके वहाँ कुछ करूंगा यार। मैं अब अक गया यार, बन चुका है। इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगा, आज नहीं फिर कभी जब वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी कलर कम्युनिकेशन हुई है इसके अंदर।
इसमें बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन हुआ है यार, बड़ा जबरदस्त किस्म का। मैं ओके भाई जान, अल्लाह।